हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल रेसलिंग लेन में। आज की वीडियो जो है वो रेसलिंग या रेसलिंग न्यूज़ के बारे में नहीं है। आज की वीडियो थोड़ी सी सीरियस वीडियो है। थोड़े टाइम से बहुत सारे यूट्यूबर्स की चैनल हैक हो रही है और इसी वजह से सभी यूट्यूबर्स काफ़ी परेशानी में हैं, क्योंकि अगर आप लोगों की इतने सालों की मेहनत रातों रात एक ही चुटकी में अगर चली जाए तो परेशानी तो होगी ही। लेकिन मैंने आज की जो ये वीडियो बनाई है वो मेनली एक ही यूट्यूब चैनल के रिगार्डिंग बनाई है, जो कि है मेरी फेवरेट रेसलिंग यूट्यूब चैनल 3DX चेतक। उनके बहुत सारे फैंस को पता तो चल ही गया होगा कि उनकी चैनल हैक्ड हो चुकी है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं कि 3DX चेतन जो चैनल है वो हैक्ड हो चुकी है। और आप लोग उनके चैनल पे जाके देखोगे तो उनके चैनल का नाम और लोगो जो है वो चेंज हो चुका है। 3DX चेतन ने एक ट्वीट के अंदर भी बताया था कि उनके पास से उनके चैनल का एक्सेस चला गया है। और यही सेम चीज़ हुई है ज्ञानी 2.0 के साथ, उनकी भी चैनल हैक्ड हो चुकी है। उन्होंने उनकी सेकंड चैनल के ऊपर इसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाई थी। इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद वो हंसने की कोशिश कर रहे थे। अगर किसी भी इंसान की 2-3 सालों की मेहनत ऐसे ही चली जाए तो कैसा फील होगा, आप ही बताइए। 3DX चेतन और ज्ञानी 2.0 ने यूट्यूब से बात की है और उसके अलावा उनके काफ़ी दोस्तों के साथ भी बात की है। आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि 3DX चेतन की एक और भी चैनल है जिसमें बिग बॉस के रिगार्डिंग वीडियोस हैं, तो पहले तो आप व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि उनकी उस चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर दो और उनको ट्विटर पे भी फॉलो कर दो। और जो उनकी ये दूसरी चैनल है उसमें भी सेम सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए। और अगर रियल में 3DX चेतन ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर कोई भी अपडेट आती है तो प्लीज़ उस चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड करके हमें इन्फॉर्म ज़रूर से कीजिएगा। 3DX चेतन ने ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट की थी जिसके अंदर उन्होंने उनकी प्रॉब्लम बताई थी और वो कितने ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं वो भी यहाँ पे हम पढ़ के समझ सकते हैं। तो मैं उनको उन्हीं की एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि यार प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे लाइफ में। और रही बात प्रॉब्लम्स की, तो यार प्रॉब्लम्स तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलती रहेंगी। उनका क्या अगर प्रॉब्लम्स नहीं होगी तो आई डोंट थिंक सो फिर हमें वो काम करने में मज़ा आने वाला है। हम लोग यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप में से कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से उनको हेल्प कर सकता है तो ज़रूर से कीजिए। और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग आपके साथ हैं और प्लीज़ हार मत मानिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करो और सब्सक्राइब करो।